तो यूपी के बजट की क्लास आज आप लोगों की होगी, साथ ही आज आप सभी का नोटिफिकेशन भी आना है। तो नोटिफिकेशन देखते हैं कितने बजे आता है, तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब उसका डिस्कशन भी हो जाएगा। तो बजट का सेशन आज आप सभी का राविंद सर लेंगे। बजट के जितने भी तथ्य फैक्ट हैं ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, आपको मिल जाएगी, बट आपको यह है कि कुछ फैक्ट जो भी लगते हैं आप लोग लिख लीजिएगा, बाकी ये पीडीएफ आपकी आ जाएगी। ठीक है, इसमें पूरा कंप्लीट बजट है हाँ, सारी सारा चीज। बजट है आपका, बाकी सारी चीज़ें फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेशन के हिसाब से जो पूछी जा सकने वाली चीज़ें हैं, मोस्टली उसी पर बस फोकस होकर चीज़ें बतानी हैं हाँ, तो देखो और वही डिस्कस इकोनॉमी, करनी है। इसका जो इकोनॉमी वाला सेगमेंट है हम बाद में देखेंगे, यूपी की अर्थव्यवस्था। ठीक है, बजट एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, तो इसको आप लोग अभी आज कर लीजिए, फिर इसके बाद हम शुरू करेंगे, क्योंकि फिर बहुत डिले हो जाएगा। ये करंट का टॉपिक है तो आप केवल बजट बजट कर लें, बजट को लेकर थोड़ा सा टर्म्स हाँ, वगैरह जो भी है चीज़ें डिस्कस करते वो हैं। डिस्कस हो जाएंगे आपकी। ठीक है, चलिए सर। सर तो बजट बेसिक जो फंडा है, आप जो खर्च कर रहे हैं और आप जो कमा रहे हैं, बस उसका है कि कहाँ से कितना पाया और कहाँ कितना इन्वेस्ट कर दिया। अब ये बजट का मैटर मैटर एक चीज ये होता है कि किसी का घाटे का होता है और किसी का थोड़ा सा फायदे का प्रॉफिटेबल होता है। घाटे का क्या हुआ, कमाते 100 खर्च करते हो 150, कहते हो भाई घाटा हो। सरकार भी बताती है हमारा राजकोषीय घाटा हो गया, हमारा राजस्व घाटा हो गया, हमारा पूंजी घाटा हो गया, है ना। और हमारा अगर घाटा हो गया तो हम क्या करते हैं, फिर सिंपल फंडा है भाई, अगर मेरा खर्च 200 का है और 100 ही मैं कमाता हूँ तो क्या करता हूँ, किसी दोस्त यार के पास जाता हूँ, भाई 100 दे दो, नेक्स्ट मंथ में दे दूंगा। सरकार भी यही करती है, उसका भी ज़्यादा खर्च हो गया तो क्या करती है, लोन लेती है। कहाँ से लेती है, या तो अपने घरेलू मार्केट में जाती है। सबसे पहले आदमी किसके पास जाएगा, अपने यार दोस्तों के पास जाता है, रिश्तेदार, वहां से काम हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर क्या कहता है, आउटर स्पेस देखेगा, बाहर से कहीं से अरेंज करेंगे। बाहर क्या होंगे, भारतीय सरकार जाती है तो विदेशों में जाती है, विदेशी संस्थाओं के पास जाती है, और हम अगर जाते हैं तो ऐसे अननोन पर्सन के पास, लाइक सेठ हो गया, महाजन हो गया, बैंक हो गया, वहां चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो फंडा है हमें यही समझना है। अब इसमें होता क्या है कि लाइक आप जो 100 रुपए आ रहे हैं आपके पास, सरकार के पास कहाँ से आ रहे हैं, किन किन एरिया से आ रहे हैं, उसके लिए उन्होंने क्या संचालित कर रखा है, और दूसरी चीज आती है खर्च करते हैं, तो खर्च कहाँ कर रहे हैं। अब सरकार है, हम नहीं है, हमारा होता है जैसे कि आप घर में कमा रहे हैं तो घर वाले आपसे पूछते हो इतना कमाया खर्च कहाँ कर दिया, तो ब्यौरा देना पड़ता है कि देखो ये चीजें हैं मैंने यहाँ यहाँ खर्च की। सरकार भी यही ब्यौरा देती है अपने बजट में कि मैंने कहाँ से, मुझे किन किन लोगों से, किन किन क्षेत्र से मुझे कितना पैसा मिला है, और हमने उस हिसाब से अपने बजट को कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्रों में कितना कितना मैं बजट यहाँ पे आवंटित करने जा रहा हूँ, उसके हिसाब से वो योजनाएं बनाते हैं, उसी के हिसाब से वो चीज़ें कह सकते हैं कि लोगों को कल्याणकारी प्रक्रियागत चीज़ों के हिसाब से अनुदान देते हैं, लोन प्रोवाइड कराते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, शिक्षागत चीज़ें लेकर आते हैं, और अलग अलग क्षेत्रों के लिए यहाँ पे कार्य किया जाता है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अपने इस बजट में क्या विशेष किया गया है, किन क्षेत्रों में क्या आवंटित किया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर चीज़ें कि क्या अलग रहा है या विशेष रहा है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आपसे पूछा जाएगा। जैसा कि साल के बजट को उन्होंने कहा है नए उत्तर प्रदेश का विकासोन्मुखी बजट, तो क्या ये बजट इन कह सकते हैं कि इन रियल वे में भी विकासोन्मुख है या फिर इससे इतर है। सबसे पहली चीजें जब आप बजट की बात करते हैं तो इस साल का बजट है कितना बड़ा, तो यूपी सरकार का जो बजट है इस साल का, ये टोटल जो अमाउंट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 32,721.96 करोड़ की यहाँ पे नई योजनाएं इस साल लेकर आए हैं, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बजट का कुल व्यय भी दिया गया है जो कि राजस्व लेखे से संबंधित है और साथ ही साथ पूंजी लेखे के संबंधित। अब राजस्व लेखे के साथ यहाँ पर सरकार का कितना व्यय है और पूंजी लेखा में यहाँ पर सरकार कितना यहाँ पर व्यय कर रही है उसका इन्होंने ब्यौरा दिया है। कितना है तो आप देख सकते हैं करीब 5,02,354 और पूंजी लेखे में 1,87,888 करोड़ रुपए का यहाँ पर उन्होंने व्यय दिखाया है। एक टैग लाइन यहाँ पर देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि टैग लाइन्स को काफी इंपॉर्टेंस यहाँ पर दी जाती है और ये टैग लाइन लगातार बड़ी होती जा रही है। हम शुरू शुरू में सुन रहे थे सबका साथ सबका विकास, एक और जोड़ दिया गया सबका विश्वास, एक और जोड़ दिया गया सबका प्रयास, हो सकता है अगली बार एक और कुछ हमें मिल जाए। तो कितनी बड़ी होगी, कितने सालों तक देखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको चार वर्ड ध्यान रखने हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। अब यहां पे समझने वाली जो मूल फंडा आपका बजट का होता है ये वाला पोर्शन, ठीक है, यहां से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ये इसको कहा जाता है कि बजट का अगर आपको बेसिक चीजें समझनी है कि पूरा ब्यौरा होता क्या है,
कैसे यहाँ पे खर्च हो रहे हैं, किससे क्या मिलता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है। तो बस इस सारणी को अगर, और इस सारणी में इस साइड को हटा दो, इनको याद करने की जरूरत भी नहीं, आपको बस ये फंडे क्लियर होने चाहिए, यहीं पे सब कुछ है। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो बजट के जितने भी बेसिक क्वेश्चन है आपको यहीं से आते हैं, ये कभी गलत नहीं होता, और आपके हमेशा यहाँ पे दो चार नंबर देके जाते हैं। ये क्वेश्चन आईएएस में भी पूछे जाते हैं और पीसीएस में भी पूछे जाते हैं। इनका फंडा क्या है वो मैं समझा देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे देखिए, बजट को लेकर के आपसे कभी भी पूछा जाता है कि बजट में आंकड़े कितने साल के होते हैं, एग्जाम में ये भी पूछा गया। तो हम यहाँ पर देखिए, एक दो और तीन, तीन ईयर आपको दिखाई दे रहे हैं, और तीन साल का अर्थात देखा जाए तो डेटा आपको होता है बजट 2021-22 के। यहाँ पर देखा जाए तो एक वास्तविक आंकड़े होते हैं, क्योंकि तब तक इन रियल वे में सरकार के पास जितनी भी चीजें होती हैं, खर्च ब्यौरा कहाँ कितना हुआ था, उसका फाइनल एक स्टेटमेंट सरकार को मिलता है। 2022-23 के बजट का यहाँ पे अनुमान होता है और संशोधित बजट भी होता है, और 2023-24 का जो बजट अनुमान होता है वो आपको अनुमान ही रहता है, क्योंकि इन फ्यूचर सरकार ये बनाती है। बजट के तीन प्रोस्पेक्टिव है, एक बजट जो कि यहाँ पर देखा जाए तो आपको भूतकाल में सरकार के द्वारा जो योजनागत चीजें लेकर आई या बजट प्रस्तुत किया गया था उसके आंकड़े, उसके बाद सरकार ने वर्तमान में जो चीजें यहाँ पर की हैं उससे संबंधित आंकड़े, और एक भविष्योन्मुखी संदर्भ में यहाँ पर चीजों के सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े। अब एक चीज यहाँ पे आती है कि जो सरकार, जैसे कि इस साल को उन्होंने बजट प्रस्तुत किया, तो इस साल के बजट को हम मूलतः किस परिदृश्य देखते हैं, ये होता है भविष्योन्मुख, अर्थात हम अगले वित्तीय वर्ष में क्या क्या खर्च करने वाले हैं, किन किन क्षेत्रों को क्या क्या देने वाले हैं, उसकी यहाँ पे मूल योजनाएं होती हैं। और इसीलिए बजट जो लागू होता है वो कब से लागू होता है, नए वित्तीय वर्ष से। प्रस्तुत जरूर यहाँ पे फरवरी में किया जाता है, लेकिन लागू कब से होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो अभी जो बजट के संदर्भ से, अभी जो खर्च इत्यादि चल रहा होगा वो किस संदर्भ में है, पिछले साल के बजट को प्रस्तुत किया। अभी ये बजट प्रस्तुत जरूर किया गया है लेकिन लागू नहीं है, लागू कब से होगा, 1 अप्रैल से। अब यहां पर देखते हैं, चलिए जो मैं कह रहा था कि बजट का सार समझना। अब आपसे अगर कभी पूछा जाए कि राजस्व लेखे में अगर आपको कोई एंट्री करनी हो तब क्या क्या चीजें ऐड करें, तो सिर्फ दो चीजें ऐड की जाती हैं। क्या क्या? एक होता है कर राजस्व, अर्थात सरकार ने जो टैक्स लगाया है, टैक्स से उसको क्या क्या पैसे मिले, ठीक है, तो आप राजस्व लेखे के अंतर्गत कर राजस्व यहां पर ऐड करेंगे। दूसरा यहां पर करेत्तर राजस्व होता है, जहां पर सरकार टैक्स के इतर भी यहां पर पैसे प्राप्त कर सकती है, ठीक है, जैसे शुल्क इत्यादि को लेकर हो गई, चुंगी कर चीजें हो गई, या अन्य चीजें यहाँ पर सरकार को मिल रही हैं पैसे, आपको अनुदान चीजें हो गई या अन्य चीजें यहाँ पर उसको कैसे यहाँ पे पैसे मिल रहे हैं, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे राजस्व लेखे के अंतर्गत प्रस्तुत करें। अब देखा जाए तो सरकार की जो लेखे इस साल के यहाँ पे प्राप्तियों का जो अनुमान यहाँ पे दर्शाया गया है, बेसिकली क्या ये पढ़ना चाहिए, तो पहली चीज आपको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन समटाइम्स इन इशू बहुत ही कह सकते हैं कि अनुमान या भविष्योन्मुख तो वहां पे कभी कभी पहुंचते हैं, लेकिन ये डाटा आपको ध्यान नहीं रखना, डाटा हमें जो ध्यान रखना है वो ये वाला होता है यहाँ पे, जो घाटे वाले आते हैं, बजट वाले आते हैं। तो हमें फिलहाल यहाँ पे फोकस करना है कि राजस्व लेखे में प्राप्तियां कर राजस्व हो गए, करेत्तर राजस्व हो गए, और दोनों के संदर्भ में देखा जाए तो टोटल यहाँ पे सरकार ने जो आंकड़ा यहाँ पे प्रस्तुत किया है, करीब आपको देखा जाए तो 5,70,865.66 यहाँ पे करोड़ संदर्भ में यहाँ पर आपको जो डेटा है प्रस्तुत किया गया। फिर आता है पूंजी लेखा में आपको क्या प्रस्तुत करना है, पूंजी लेखे में देखिए आपको क्या क्या चीजें आती हैं। पहला ऋणों की वसूली, वसूली का मतलब क्या हुआ, सरकार ने किसी को ऋण दे रखा है, ठीक है, तो उससे उसकी प्राप्ति करना। अब ऋण देखिए दो तरीके का होता है, एक आपको दीर्घावधि के लिए दिया गया और एक लघुअवधि के लिए दिया। लघुअवधि का मतलब हुआ कि सरकार ने एक साल के अंदर जो ऋण उसको वापस हो जाए, ठीक है, एक साल के अंदर आपको कोई ऋण यहां पर दिया गया जिसको आपको एक साल के अंदर वापस करना है तो उसको हम कहते हैं लघुअवधि का ऋण। और अगर यहां पर आपको एक साल से ज्यादा की अवधि, कई बार यहां पर तीसरा टर्म भी जोड़ा जाता है कि मध्यावधि, जो कि यहां पर 1 से 3 साल का होता है, और उसके बाद जो होता है उससे बड़े आपको देखा जाए तो दीर्घावधि ऋण कहे जाते हैं। तो कैसी भी यहां पर ऋणों की वसूली है वो पूंजी लेखे में आएगी। इसके बाद उधार और अन्य देयताएं, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम यहां पर आपको शामिल है, वो सारी यहां पर पूंजी लेखे में आपको ऐड कर दी जाती है। तो उसका भी डेटा सरकार ने यहां पर दिया है कि 1,12,427 करोड़ तक की यहाँ पे राशि हमें पूंजी लेखे मिल रही है। कुल प्राप्तियां निकालनी हो तो देखिए 1 और 4 लिखा हुआ, मतलब क्या क्या जोड़ देना है कि राजस्व लेखे में सरकार को क्या प्राप्त हुआ और पूंजी लेखे में सरकार को क्या प्राप्त हुआ, वो आपकी कुल प्राप्ति है। इसके बाद आता है कि राजस्व लेखे पर सरकार का व्यय क्या है, ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो आपको ब्याज अदायगी आती है, सरकार ने कहां पर कितना खर्च किया है, ब्याज अदायगी के संदर्भ में सरकार ने
जो भी ऋण लिया हुआ है, हम कहीं भी ऋण लेंगे तो उसमें क्या देना पड़ता है, हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि सरकार अगर ऋण ले रही तो उसे इंटरेस्ट नहीं देना है, सरकार को भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, सरकार ऋण लेकर कहाँ से आ रही होगी, बैंक से लेकर आ रही है, और बैंक कहीं से भी आप ऋण लेते हैं वो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो सरकार को भी यहाँ पर अपनी ब्याज अदायगियाँ पे करनी पड़ती है। फिर आता है इसमें पूंजी लेखे का व्यय, जिसमें पूंजीगत परिव्यय शामिल है, ऋण की अदायगियाँ इसमें शामिल हैं, जो रिजर्व बैंक से आपने ले रखा है वो सब चीजें आपको यहाँ पर रिटर्न करनी। और फिर आपको कुल व्यय निकालना हो तो आपको जोड़ देना है राजस्व लेखे पर व्यय, पूंजी लेखे पर व्यय, आपका कुल व्यय प्राप्त हो जाए। अब यहाँ पर देखा जाए आपको राजस्व बचत निकालनी है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि देखिए एक और आठ को माइनस कर दीजिए, कहने का मतलब कि जितना भी आपको राजस्व लेखे में प्राप्त हुई और जितना भी आपने राजस्व लेखे पर व्यय किया है आपने यहाँ पर माइनस कर दीजिए, आपको राजस्व बचत मिल जाता है। अब राजकोषीय जो यहाँ पर देखा जाए घाटे के संदर्भ से, तो यहाँ पर आपको राजस्व के अंतर्गत जो भी यहाँ पर चीजें प्राप्त हुई प्लस ब्याज अदायगियां चीजें हैं उनको यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए, जो आपको प्राप्त होगा वो सारी चीजें राजकोषीय घाटे में आ जाती हैं। और इसी तरीके से प्रारंभिक घाटा है, जिसमें आप देखें राजकोषीय घाटे में से आपको निकाल देना है ब्याज अदायगियां, वो आपको इसमें से मिल जाएंगी प्रारंभिक घाटा। तो ये सब कुछ यहाँ पर देखा जाए डेटा वाइज सरकार को यहाँ पर किसने कितना मिल रहा है, कितना चीजें हैं। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिएगा लास्ट में, राजस्व का जो स्वयं का कर है, राजस्व और केंद्रीय करों में यहाँ पे राज्यांश उसमें सम्मिलित होता है, और साथ ही साथ राज्य का स्वयं का करेतर राजस्व जो है उसमें केंद्र से प्राप्त अनुदान भी इसमें शामिल होता है। अर्थात देखा जाए तो केंद्रीय कर और केंद्र से प्राप्त अनुदान ये दोनों ही चीजें सरकार के, अतः उत्तर प्रदेश सरकार है उसके किसमें शामिल की जाती है, वो राजस्व लेखे के अंतर्गत आएंगे। तो ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव से ये आपका यहाँ पर डेटा है। अब ये है सरकार की आय, अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कहां पर किस क्षेत्र से उसे एक रुपए में कितना परसेंटेज पैसा वहां से मिलता है। अर्थात अगर एक रुपए मानक मान के चलते हैं कि सरकार की आय एक रुपया है, तो उस एक रुपया का कितना हिस्सा यहां पर किस क्षेत्र से आता है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कई बार पूछा जाता है कि प्रदेश का या केंद्र सरकार का आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो यहां पर परसेंटेज देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, यहां पर इस हिस्से को देखा जाए, ठीक है, और ये क्या है, स्वयं का कर जो राज्य सरकार के द्वारा यहां पे लगाया जाता है। कितने परसेंटेज है, परसेंटेज भी ध्यान रखना है, 38.8% जो सबसे बड़ा हिस्सा है उत्तर प्रदेश सरकार की आय का स्रोत जो है वो कहां से आ रहा है सरकार का, उसके द्वारा लगाए गए कर से। अब चलिए बात करते हैं दूसरा सबसे बड़ा यहां पर क्षेत्र कौन सा है, तो यहां पर फिर से आ जाते हैं, एक तो स्वयं के द्वारा कर लगाया वहां से पैसा मिला, उसके बाद केंद्र सरकार ने जो यहां पे कर लगा रखा है उसमें से उस राज्य का हिस्सा, तो 38.8%, उसके बाद 27%। यहाँ पे दो बड़े हिस्से देखा जाए सीधा सीधा किससे रिलेटेड है, कर जो सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। अब इसके बाद देखें तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा कहां पे, फिर देखिए यहाँ पे आता है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, और चौथा जो है वो लोक ऋण है, पांचवा अगर देखा उसके बाद बचे सिर्फ दो यहां पर, तो करेतर राज्य से है 3.5% और लोक लेखा शुद्ध से 0.8%। इसके अलावा ऋण और अग्रिम की वसूली भी देखा जाए तो 0.4%। अगर आपको टॉप थ्री यहां पर ध्यान रखना है तो स्वयं का कर राज्य, केंद्रीय करों में राज्यांश का हिस्सा और केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, ये तीन बड़े क्षेत्र हैं जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार को आय के उसके स्रोतों के तौर पर देखा जा सकता है। तो अगर एक रुपया आया भी तो सरकार एक रुपया खर्च भी करती, अपने जेब में रखती नहीं, आया तो खर्च करती। अब खर्च करती है तो वहां पर कौन से एरियाज में खर्च करती है, तब यहां पर देखिए चलिए ढूंढते हैं कि सबसे ज्यादा सरकार उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा सबसे बड़ा उसका व्यय क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये पूंजीगत परिव्यय जो यहां पर है 21.7%, उसका सबसे बड़ा यहां पर एक व्यय दिखाई देता है। दूसरा सबसे बड़ा व्यय अगर देखा जाए तो आई थिंक यहां पर अन्य राजस्व व्यय है 13.3%। तीसरा देखा जाए तो उसका वेतन सहकारी कर्मचारी को लेकर यहां पर 12.7%। इसके अलावा वेतन जो सहायता प्राप्त संस्थाओं को दिया जाता है 11.17%, सहायता अनुदान के तौर पे 9.2%, पेंशन के तौर पे 12.1%, ब्याज के तौर पे 7.5%, सब्सिडी 3.9%, स्थानीय निकायों को समुदेशन 3.5%, और ऋण अग्रिम पे 1.4%, ऋणों का प्रतिदान 3.1%। अर्थात कई अलग अलग क्षेत्रों मिलाकर सरकार के द्वारा कुछ कुछ हिस्सा यहां पर आपको व्यय किया जाता है, तो एक रुपया सरकार आता है तो एक रुपया सरकार व्यय कर देती है। अब इसी हिसाब से देखा जाए तो अब हम यहां पर देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों को क्या क्या आवंटित किया गया है, किन क्षेत्रों के लिए क्या घोषणाएं की गई हैं, और उनके लिए कितना बजट यहां पे आवंटित किया गया है उन योजनाओं के। सबसे पहले देखते हैं यहां पर
कि कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु दिव्यांगता के संदर्भ में जो योजना चलाई जा रही है उसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, ये योजना किसके संदर्भ में है कि कृषकों की दुर्घटना मृत्यु और दिव्यांगता की स्थिति में यहाँ पर राशि प्रोवाइड कराई जाती है। और यहाँ पर देखा जाए तो कितना प्रोवाइड कराई जाएगी, अधिकतम 5,00,000 रुपए। और यहाँ पर देखा जाए अगर मृत्यु यहाँ पर दिव्यांगता की स्थिति के संदर्भ में ये चीजें आपको प्रावधानित है, इसके लिए सरकार ने बजट भी प्रावधान किया है 750 करोड़ रुपए का। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप जो आपसे पूछे जाएंगे लाइक योजनाएं ध्यान रखिएगा, किस साल के बजट में कौन कौन सी योजनाओं का उल्लेख किया गया है। दूसरा, सरकार के द्वारा कौन सी अवसंरचनाओं के बारे में बात की गई है कि कहां पर कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके द्वारा बनाया जाएगा। तीसरा, सरकार के द्वारा किस प्रकार की नई कह सकते हैं संस्थागत चीजों को विकसित किया जा रहा है, लाइक उसमें विश्वविद्यालय हो सकते हैं, कोई नई एजेंसी हो सकती है, कोई या फिर पुरानी स्थिति संरचना को यहाँ पर नए तरीके से पुनः निर्माण किया जा रहा है, उन चीजों को लेकर के। देखिए यहाँ पर आपको एक तो सारी चीजें हैं कि सरकार के द्वारा यहाँ पर किस क्षेत्र में कितना यहाँ पर व्यय किया जाएगा योजना से रिलेटेड, दूसरा यहाँ पर सरकार के द्वारा कौन कौन सी अवसंरचनागत चीजों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, और तीसरा यहाँ पर संस्थागत चीजों के बारे में क्या क्या लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें इन सारी चीजों को लेकर बस ध्यान देना है। तो योजना पर जरूर यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ कौन कौन सी योजनाएं हैं। दूसरा देखिए सरकार देखिए इस बजट में अपने पिछड़े आंकड़ों को भी प्रस्तुत करती है, लाइक कि हमने क्या अचीव किया है, ठीक है, उससे रिलेटेड भी डेटा होता है। जैसे यहाँ पर उन्होंने दिया है कि सुरक्षित नागरिक भयमुक्त समाज के संदर्भ में हमें विकसित प्रदेश की एक पहचान बनानी है, और इसके संदर्भ से हमने जो काम किया है, पहला कहते हैं कि बेहतर कानून व्यवस्था और विकास के संदर्भ से हमने जो काम किया है उसके आप पिछले 6 वर्षों में अगर आप देखें तो हमने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में करीब 1.60 लाख से ज्यादा यहाँ पे नई नियुक्तियां की हैं। साथ ही विगत 6 वर्षों में देखा जाए तो पुलिस प्रशिक्षण की क्षमता को यहाँ पर हमने 3 गुना किया है। तथा यहाँ पर देखा जाए तो एक विकसित प्रदेश के संदर्भ में सुरक्षा को यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी गई है। तीसरा एस्पेक्ट, महिला एवं बाल विकास के संदर्भ में सरकार ने क्या किया है। तो यहाँ पर आप देखिए उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, एक यहाँ पर देखा जाए एक संस्था एक फंड यहाँ पर बना रखा है, और इस फंड के संदर्भ में देखा जाए तो 56 करोड़ के यहाँ पर बजट का प्रावधान किया गया है। साथ ही देखा जाए तो अनुपूरक पुष्टाहार से करीब 1.85 करोड़ यहाँ पे लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है, और बजट में इसके संदर्भ में देखा जाए 291 करोड़ की यहाँ पर व्यवस्था है। तो महिला के यहाँ पे सशक्तिकरण को लेकर उनके लिए यहाँ पर कह सकते हैं कि पोषण के संदर्भ से ये 2 यहाँ पर एस्पेक्ट लेकर आई है सरकार। इसके अलावा न्याय को प्राथमिकता देने के संदर्भ में 2 चीजें यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। पहले देखिए जाए 9 सृजित जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर न्यायालय परिसर के निर्माण हेतु 700 करोड़ की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, अर्थात जहां पर अभी तक या नए ऐसे जनपद जहां पर अभी तक न्यायालय परिसर नहीं बने हैं वहां न्यायालय परिसर बनाए जाएंगे। दूसरा जो काम कर रहे हैं कि जनपदीय न्यायालय के लिए एक अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु यहाँ पर 420 करोड़ है, और सरकार के शीर्ष प्राथमिकता वार अब ये चीज ध्यान रखिएगा, ये एस्पेक्ट यहाँ पर लेकर आया गया है कि अगर आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में या देश के जो होते हैं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय यहाँ पर कहाँ या किस राज्य में किस क्षेत्र में बनाया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा प्रयागराज में बन रहा है, और 103 करोड़ की यहाँ पर व्यवस्था इसके संदर्भ में प्रस्तावित है। इसलिए भी इसे आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं कि इसका जो विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज, क्योंकि प्रयागराज में ही देखें तो आपका प्रदेश का उच्च न्यायालय भी है, तो यहाँ पर आपको देखा जाए तो इसको बस ध्यान रखते हैं, ये क्वेश्चन चीजें हैं जो पूछ सकते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल प्रोस्पेक्टिव लगातार सरकारों के द्वारा काम किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी यहाँ पर इस पर विशेष ध्यान दिया है। लाइक सामाजिक वानकीकरण योजना को 600 करोड़ यहाँ पर दिए गए हैं, जिसके तहत यहाँ पर समाज के अलग अलग क्षेत्रों में किसानों और संस्थाओं के साथ मिलकर के समुदाय विशेष के साथ यहाँ पर वानकीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और इसके लिए यहाँ पर देखा जाए 600 करोड़ की एक व्यवस्था है। पौधशाला प्रबंधन योजना के लिए 175 करोड़ की व्यवस्था है। ग्रीन इंडिया मिशन के लिए यहाँ पे 100 करोड़ की व्यवस्था है, और इको टूरिज्म के विकास के संदर्भ से यहाँ पे 10 करोड़ की व्यवस्था है। तो देखा जाए तो आपको कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वन एवं पर्यावरण के क्षेत्र से निम्नलिखित में कौन सी योजना की चीजें यहाँ पे सम्मिलित नहीं है या सम्मिलित हैं, तो आपको देखिए तो सामाजिक वानकीकरण है, पौधशाला प्रबंधन योजना है, ग्रीन इंडिया मिशन है, और इको टूरिज्म, ये 4 एस्पेक्ट आपको यहाँ पर बजट में प्रस्तुत किए गए हैं। इसके साथ साथ पर्यटन को लेकर के देखा जाए तो बौद्ध परिपथ को बढ़ावा दिया गया। अब यहाँ पर से क्वेश्चन आपको बजट को भी पूछा जाता है, और इसको ना पूछ करके वो सीधा पूछ ले कि बौद्ध परिपथ के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि बौद्ध परिपथ में कौन से क्षेत्र आते हैं। बजट आपको सीधा या कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ साथ आपको कई सारे ऐसे एस्पेक्ट खोल देता है जो कि इनडायरेक्ट आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, तो यहाँ पे इसको भी ध्यान में रखना है। बौद्ध परिपथ के समेकित पर्यटन के विकास से देखा जाए
तो वर्तमान वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ की यहां पर व्यवस्था है। बुंदेलखंड के विकास के संदर्भ से पर्यटन के दृष्टिकोण से 40 करोड़ की व्यवस्था है, और अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के मेगा इवेंट के संदर्भ में यहां पर देखा जाए तो इन्होंने 25 करोड़ की व्यवस्था का यहां पर प्रावधान किया गया। खेलो इंडिया के तहत यहां पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को 30 करोड़, निजी सहभागिता में खेल अवस्थापनाओं के लिए 50 करोड़, और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में जो विजेता खिलाड़ी होंगे, जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए पुरस्कार योजना के लिए यहां पे 15 करोड़ की व्यवस्था है। शिक्षा के संदर्भ से देखा जाए तो सरकार ने व्यवसायिक शिक्षा और कौशल को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी। एक तरीके से देखा जाए तो लोगों को स्किल्ड कैसे बनाया जाए और साथ ही साथ इस तरीके के रोजगार, क्योंकि शिक्षाएं दो तरीके की होती है। एक शिक्षा जिसको पढ़ने के बाद आपको कोई रोजगार नहीं मिलता, लाइक BA, BSc, MA, ये सारी चीजें, और एक ऐसी शिक्षा होती है जिसको पढ़ने के बाद आपको वहां पर प्लेसमेंट मिल जाती है, जिसको हम व्यवसायिक एक शिक्षा यहाँ पर कहते हैं। जैसे आपको ITI में आप जाते हैं, कई सारी चीज़ों को आप यहाँ पर सीखते हैं। MBA जैसे आपकी जॉब्स यहाँ देखा जाए, स्टडी आप करते हैं, वहाँ से डायरेक्ट कंपनी आपको प्लेसमेंट देती हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास को लेकर सरकार प्राथमिकता दे रही है, और कौशल विकास के प्रशिक्षण के संदर्भ से देखा जाए तो यहाँ पर 150 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री शिक्षता प्रशिक्षण योजना देखा जाए तो इसके लिए 70 करोड़ है, और केंद्र प्रायोजित स्ट्राइव योजना के लिए 29 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उच्चीकरण किया जाएगा, जिसके लिए वहां पर 35 करोड़ की व्यवस्था प्रावधानित है। इसके बाद आता है प्रावधिक शिक्षा। अब यहां पर देखिए, प्रावधिक शिक्षा के संदर्भ से कुछ नई चीजों की यहां पर घोषणा की गई, लाइक क्या क्या है कि राजकीय पॉलिटेक्निकों की स्थापना और स्थापना के विकास के संदर्भ से 50 करोड़ और 33 करोड़ की यहां पर क्रमशः प्रस्तावित है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अब किसके क्षेत्र में है, गोंडा, बस्ती, प्रतापगढ़, यह क्वेश्चन बन सकता है। लाइक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पर कहाँ कहाँ, किसके क्षेत्र में क्या क्या कक्षाएं हैं, कहाँ कहाँ बनाई जा रही हैं, कहाँ कक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो चार जनपद यहाँ पे उल्लेखित किए गए हैं, गोंडा, बस्ती, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर में, इनके संदर्भ में 1.5 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। इसी तरह देखा जाए उच्च शिक्षा के संदर्भ से विंध्याचल धाम मंडल में यहाँ पर देखा जाए विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, जिसके लिए 50 करोड़ की यहाँ पर व्यवस्था है। देवी पाटन मंडल में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय के लिए 250 करोड़ की व्यवस्था है, और मुरादाबाद मंडल में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए यहां पर देखा जाए तो 50 करोड़ की व्यवस्था है। अब ये देखें, सरकार ने संस्थागत चीजों पे नई जगह पर कुछ नए कॉलेज और विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात यहां पर कर रहे हैं। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा को लेकर देखिए, समग्र शिक्षा अभियान, अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाइक कि कोई योजना उन्होंने पूछ ली कि समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा। अब आपको यहां पर इन्होंने बता रखा है ये कहां से है, तो समग्र शिक्षा अभियान आपको रिलेटेड है आपकी माध्यमिक शिक्षा से, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो विभिन्न कार्यक्रम यहां पर संचालित है, जो कि 1003 करोड़ की यहां पर इसके संदर्भ में यहां पर बजट का प्रावधान किया गया है। साथ ही राजकीय माध्यमिक जो विश्वविद्यालय है उनकी अवस्थापना के संदर्भ में एक योजना या प्रोजेक्ट चलाई जा रही है, जिसके तहत प्रोजेक्ट अलंकार योजना के अंतर्गत 500 करोड़ की यहां पर व्यवस्था है, और माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को यहां पर छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिसके लिए यहां पर 10 करोड़ की बजट को प्रावधानित किया गया है। इसके बाद आता है देखिए बेसिक शिक्षा आ गई। बेसिक शिक्षा के संदर्भ से भी सरकार ने यहां पर कुछ एक पहल जो की है, अच्छी चीज ये है कि डिजिटल लाइब्रेरी की बात की जा रही है, और डिजिटल लाइब्रेरी यहां पर बेसिक शिक्षा के स्तर पर लगभग हर ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर बनाई जाएगी, जिसके माध्यम से यहाँ पर देखा जाए इसके संदर्भ में यहाँ पर 300 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। गरीबी रेखा के ऊपर के लगभग 28 लाख छात्र छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण के लिए यहाँ पे 50 करोड़ के यहाँ पे बजट का प्रावधान किया गया है, और परिषदीय विद्यालयों के लिए 2 करोड़ बच्चों को निःशुल्क आपको देखा जाए तो स्वेटर और जूता मोजा इत्यादि के लिए 650 करोड़ के यहाँ पे बजट का प्रावधान है। सबसे बड़ी यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको गरीबों को जो होता है कि शिक्षा के संदर्भ में एक बेसिक शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, जिसके संदर्भ में एक बड़ा समस्या आती है कि यूनिफॉर्म्स, खाना पीना, और उनके लिए यहाँ पर एक बेहतर विश्वविद्यालय जहाँ पर उनकी शिक्षा दीक्षा को यहाँ पर प्रोवाइड कराए सके, और उन क्षेत्रों में यहाँ पर विद्यालयों की स्थापना करना, और कहीं ना कहीं सरकार वो सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर भी देखिए बजट काम करती है। इसी को कहते हैं कि आपको एक कॉन्सेप्ट आता है जो आप संविधान में पढ़ते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि सरकार का काम है कि एक कल्याणकारी राज्य के रूप में काम करना। तो कल्याणकारी का राज्य का मतलब भी यहाँ पर यह होता है कि हमेशा जो भी काम आप किए जाएं वहाँ पे प्रॉफिट कमाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के उन वर्गों के लिए जो कि यहाँ पे पिछड़े हैं उनके संदर्भ से आप क्या कर सकते हैं। तो सरकार ये जो बजट का आवंटन करती है यहाँ से उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक जहाँ पे खर्च करके सरकार को वापस रिटर्न मिलेगा, और एक ऐसा खर्च जहाँ पे सरकार को कुछ मिलेगा नहीं, व्यय हो गया वापस नहीं आएगा।
तो ये कुछ यहाँ पर वैसे खर्च हैं जहां पे सरकार को रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इन रिटर्न को आप ह्यूमन संसाधन के दृष्टिकोण से देखेंगे जो फ्यूचर में जाकर सशक्त होगा और समाज में, राष्ट्र के और प्रदेश के विकास में यहाँ पे सहायता देगा, उसके लिए यहाँ पर ये बहुत जरूरी। इसके साथ साथ देखें तो समग्र शिक्षा अभियान के दृष्टिकोण से बजट में 20,255 करोड़ की यहाँ पर व्यवस्था यहाँ पे प्रस्तावित की गई है। ऑपरेशन कायाकल्प के लिए 1,000 करोड़ और केंद्र की सहायता से पीएम श्री अर्थात प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के नामक नई योजना के लिए प्रदेश के क्रियान्वित करने के लिए बजट में 510 करोड़ की व्यवस्था है। अब देखिए यहाँ पे दो तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। जब केंद्र सरकार का बजट पढ़ते हैं तो वहां पर राज्यों के लिए भी यहाँ पर आपको बजट आवंटित किया जाता है, इस राज्य को हम ये चीजें दे रहे हैं। उसी तरीके से देखा जाए तो जब राज्य सरकार बजट बनाती है तो उसमें कई सारी योजना की चीजें केंद्र सरकार की होती है, जो केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन सरकार अपने प्रदेश में उसी योजना को लागू करने के संदर्भ से अलग से भी यहाँ पे बजट का आवंटन करते हुए आपको दिखाई देती है। अगला इसमें आता है आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सरकार के कार्य। इसमें देखिए यहाँ पर आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में जो सबसे जरूरी चीज है मैन्युफैक्चरिंग करना विनिर्माण के क्षेत्र से, और इसके संदर्भ 401 करोड़ का यहाँ पे बजट है। स्टेट डेटा सेंटर बनाया जाएगा, 85.89 करोड़ की व्यवस्था है। और उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी में स्टार्टअप नीति के लिए यहाँ पर देखा जाए तो 60 करोड़ के बजट को यहाँ पर प्रावधान किए गए। अब उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी में स्टार्टअप नीति उत्तर प्रदेश की क्या है, इसके बारे में पढ़ा है नहीं पढ़ा, करंट में आया हुआ है या आप हाईलाइटेड, तो ये चीजें आपको बस ध्यान रखनी। योजना जितनी भी आएंगी बजट में योजना पर विशेष ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि योजना परक चीजें होती हैं, बजटी होती हैं, और वो आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। सबसे ज्यादा जो हमने देखा है बजट में या तो कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन आते हैं या दूसरी जो चीज हमने देखी है कि या फिर योजना सीधे सीधे पूछी जाती है। योजनाओं पर विशेष ध्यान रखिएगा जब भी आप बजट पढ़ें। इसके अलावा हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग को देखिए, गारमेंटिंग नीति लेकर आई गई 2017 के अंतर्गत 175 करोड़ की यहां पे व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री पावरलूम उद्योग विकास योजना के लिए 20 करोड़ और साथ ही साथ मुख्यमंत्री बुनकर और सौर ऊर्जा की नीति के लिए 10 करोड़ के यहां पे बजट को प्रावधान किया गया। छलकारी बाई कोरी का हथकरघा पावरलूम विकास योजना के लिए सरकार के द्वारा 18 करोड़ के यहां पे बजट का प्रावधान। पशुपालन देखा जाए तो भारत देखा जाए पिछले काफी टाइम से यहाँ पे प्रदेश सरकार द्वारा पशुपालन के इम्पोर्टेंस लगातार दी गई, खासकर गायों को, और यहाँ पर देखा जाए इस साल के बजट में भी कुछ वैसा ही दिखाई देता है। छुट्टा गोवंश के रखरखाव के लिए 750 करोड़ का बजट है। वृहद गौ संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 120 करोड़ है। पशु रोग नियंत्रण के लिए 116.52 करोड़ है और साथ ही साथ भेड़ बाहुल्य जनपदों में भेड़ पालन योजना के लिए 3.44 करोड़ रुपए की यहाँ पे बजट का प्रावधान किया गया। लेकिन विशेष रूप से देखें तो गोवंश को यहाँ पर ज्यादा प्रदेश सरकार के द्वारा संरक्षण दिए जा रहे हैं। दूसरा जो कि एक औद्योगिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दुग्ध विकास एक बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर देखा जाए तो वर्तमान में दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण पुनर्जीवित करने की योजना के लिए 28,695 करोड़ के यहाँ पे बजट का प्रावधान है। जनपद मेरठ और वाराणसी में देखा जाए तो डेयरी परियोजनाओं के लिए 60 करोड़ के बजट की व्यवस्था है और साथ ही यहाँ पर बाबा दुग्ध मिशन के क्रियान्वयन के हेतु यहाँ पर 2023-24 में 26,121 करोड़ के बजट के यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं। तो औद्योगिक दृष्टि से भी यहाँ पर देखा जाए तो दुग्ध क्षेत्र को यहाँ पर स्थापना की जा रही है, उसको विकसित किया जा रहा है, नए नए क्षेत्रों में इसके आवंटन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अगला बात आती है कृषि को लेकर कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषिगत क्षेत्र में क्या क्या काम किए जाने की बात की गई। चार चीज, पहली चीज देखिए कृषि के विकास के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि कृषिगत चीजों को लेकर अनुसंधान करें कि प्रदेश की मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसी है, कौन सी फसलें ली जानी चाहिए, मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, और उस हिसाब से यहाँ पर जो सबसे ज्यादा रिसर्च यहाँ पर की जाती है, प्रयोग किए जाते हैं, वो कृषि यहाँ पर विश्वविद्यालयों के माध्यम से, और कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार ने इस पर यहाँ पर काम करने की बात कही है। प्रदेश के चार कृषि विद्यालयों में देखा जाए तो एग्रीटेक स्टार्टअप योजना को लेकर यहाँ पे काम किया जाएगा, जिसमें देखा जाए तो 20 करोड़ की व्यवस्था का यहाँ पे प्रस्ताव है। हमारे यहाँ देखा जाए स्टार्टअप के संदर्भ से जो भी उद्योग डेवलप हुए हैं वो आपको एग्रीकल्चरल सेक्टर से आपको शायद ही यहाँ पर कुछ है, और कुछ हैं तो बहुत लिमिटेड है। तो यहाँ पर स्टार्टअप डेवलप हुए हैं लेकिन एग्रीकल्चरल नहीं आए, तो लेकिन सरकार के द्वारा देखा जाए तो यहाँ पे एग्रीटेक स्टार्टअप को लेकर यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर की स्थापना की गई है, 50 करोड़ की यहाँ पर इसके लिए कह सकते हैं कि व्यवस्था को प्रस्तावित है। ये ध्यान रखिएगा ये कहाँ बन रहा है, ठीक है, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका कुशीनगर बनेगा। इसके अलावा देखा जाए कृषि विद्यालय और कहाँ कहाँ है,
तो आपका कानपुर, अयोध्या, बांदा और मेरू में यहाँ पर देखा जाए तो अवस्थापना कार्यों में लगभग 35 करोड़ की अवस्था का यहाँ पर प्रस्तावित किया गया। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना के लिए 631.93 करोड़, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के लिए 113.52 करोड़, कृषकों के निजी नलकूपों के रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति के लिए 1950 करोड़ और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 98,454 करोड़ की यहाँ पे बजट को प्रावधानित किया गया। इसके अलावा नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस योजना के लिए भी 753.70 करोड़ के यहाँ पे बजट को आवंटित किया गया। इतनी सारी योजनाएं हैं जो कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर से यहाँ पर सरकार द्वारा चलाई जा रही है। पिछले कई वर्षों में ये अलग अलग टाइम पे लॉन्च की गई हैं। अब यहाँ पर किसमें क्या काम किया जा रहा है, किस किस तरह की चीजें हैं और हर साल जब आप इसे बढ़ावा दे रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर बस ये पता होनी चाहिए। इसके अलावा नगर विकास को लेकर सरकार के द्वारा किया गया काम, जैसे कि महाकुंभ मेला 2025 के भव्य आयोजन की विश्व स्तरीय तैयारी की जा रही है। 2022-23 में देखा जाए तो इसके संदर्भ 621.55 करोड़ और आगामी बजट में 2500 करोड़ की यहाँ पर व्यवस्था है। तो एक बड़ा बजट यहाँ पर महाकुंभ जो कि प्रयागराज में होता है उसके संदर्भ से यहाँ पर दिया जा रहा है। कान्हा गौशाला और बेसहारा पशु आश्रय योजना के लिए कान्हा गौशाला के निर्माण हेतु यहाँ पे 100 करोड़ की बजट यहाँ पे आवंटित है। इसके साथ साथ देखा जाए तो कानपुर मेट्रो रेल परियोजना को यहाँ पर 585 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया। आगरा मेट्रो के लिए 454 करोड़ का बजट है, जबकि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ यहाँ पे कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के संदर्भ से देखा जाए तो 1306 करोड़ का यहाँ पर बजट दिया गया है। साथ ही वाराणसी, गोरखपुर और अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन के संदर्भ से भी यहाँ पे 100 करोड़ के बजट का प्रस्ताव है। तो यूपी बेस्ड अगर आप देखें तो यहाँ पर एक जो काम किया जा रहा है वो है आपको परिवहन के संदर्भ से आपको बेहतर बना, कि जितनी जल्दी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचेंगे औद्योगिक दृष्टिकोण से सबसे अच्छा होता है। और वही प्रोस्पेक्टिव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मेट्रो का एक जाल आपको अलग अलग शहरों में बिस्तर हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा आवास परियोजना के संदर्भ से लखनऊ विकास क्षेत्र में अगर देखा जाए तो विकास प्राधिकरणों के संदर्भ में नगर क्षेत्र अवस्थापना की सुविधाओं के लिए वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोपवे सेवा के लिए यहाँ पे 150 करोड़ के बजट को प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा ऊर्जा को लेकर देखिए, ऊर्जा एक बड़ी आवश्यकता है प्रदेश के विकास को लेकर, क्योंकि औद्योगिक स्थापना हो, कृषिगत चीजें हो, शिक्षा के संदर्भ से हो, किसी भी अन्य चीजों को लेकर देखें, आपकी ऊर्जा सबसे जरूरी एक पहलू है। और ऊर्जा के दृष्टिकोण से देखें तो उत्तर प्रदेश ने अपनी सौर ऊर्जा नीति यहाँ पे बना रखी है और जो कि 2022 में सरकार ने यहाँ पे बनाई है। इसके संदर्भ से देखा जाए तो 317 करोड़ यहाँ पे आवंटित किए गए हैं। इसी तरीके सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति भी यहाँ पर 2022 में बना रखी है जिसमें 45 करोड़ की व्यवस्था। आप देखिए यहाँ पे दोनों नीति 2022 की है और आपका 2023 में एग्जाम, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये पॉलिसी मेकिंग बजट में भी उल्लेख किया गया है, इन प्रोस्पेक्टिव ये प्री ओरिएंटेड भी क्वेश्चन बन सकती हैं और मेंस ओरिएंटेड भी क्वेश्चन बनती है। अगर यहाँ वो छोड़ेंगे तो मेंस में पूछ सकते हैं कि नीति क्या है, इसके विभिन्न पहलू क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, चुनौतियां क्या है, तो ये पॉलिसी मेकिंग को लेकर यहाँ पर अलग अलग दृष्टिकोण से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2022-23 में देखा जाए तो निजी नलकूप उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों में 50% की यहाँ पर छूट की व्यवस्था की गई है और 2023-24 में अगर हम देखें तो यहाँ पर 100% यहाँ पे कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर देखा 2789 करोड़ से 1500 करोड़ की यहाँ पर अलग अलग इसमें व्यवस्था का भी प्रस्ताव किया गया है। नागरिक उड्डयन जो कि एक तरीके से देखा जाए तो आपको हवाई जहाज और उसके माध्यम से एयरपोर्ट्स अन्य चीजों को विकसित करने की बात की गई है। तो इस समय देखा जाए तो प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स यहाँ पर ऑलरेडी क्रियाशील हैं और जेवर तथा अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माणाधीन है। अर्थात ओवरऑल इन प्रोस्पेक्टिव से इन दोनों के विकसित होने के बाद यूपी में कुछ 5 कुल मिला के 5 आपके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे और 16 यहाँ पर घरेलू एयरपोर्ट होंगे और टोटल कुल मिला के आपको 21 एयरपोर्ट क्रियाशील हो जाएंगे। नमामि गंगे को लेकर लगातार कई सालों से काम किया जा रहा है। इस साल भी यहाँ पर देखा जाए तो बजट में इसके लिए यहाँ पर विशेष प्रावधान किया गया। जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पर देखा जाए तो 25.350 करोड़ के यहाँ पर बजट का प्रावधान किया गया है और साथ ही साथ अन्य प्रकार की योजना के अंतर्गत 2.26 करोड़ घरों में क्रियाशील गृह नल संयोजन प्रदान यहाँ पर किया गया है जिसके माध्यम से शुद्ध जल को उपलब्ध कराना है। साथ ही राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 188 योजनाएं जिनकी लागत करीब है आपको 455.15 करोड़ रुपए को, तो इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। सिंचाई भी एक बड़ा यहाँ पर मुद्दा है जो कि प्रदेश के करीब 62 जनपदों को यहाँ पर कवर कर रहा है जिसमें अगर देखा जाए तो आपको 2100 नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण किया जाएगा। नाबार्ड के द्वारा इसे पोषित किया जाएगा। 2 वर्षों में ये परियोजना के समस्त कार्यों को पूर्ण किया जाएगा और करीब 1.05 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन करने का लक्ष्य है।
साथ ही इसके माध्यम से 1.03 लाख यहाँ पर कृषि कृषि जो परिवार हैं वो यहाँ पर आपको सीधे सीधे इससे लाभान्वित होते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो LTIF योजना के अंतर्गत 2023-24 में इसके संदर्भ से 375 करोड़ का प्रावधान है। साथ ही सरयू नहर परियोजना के लिए 192 करोड़ का भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो ये सारी योजना है जो कि सिंचाई की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। जल निकास के संदर्भ से देखा जाए तो नाबार्ड के पोषित यहाँ पर 2023-24 में 330 करोड़ का यहाँ पर बजट प्रावधान किया गया है। नदी में सुधार कटाव निरोधक परियोजनाओं के लिए भी देखा जाए तो 1,619 करोड़ की यहाँ पर व्यवस्था, और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कटाव जैसी चीजें वर्षा की ऋतु में होती हैं। जब नदियों में उफान आता है तो जो दरारें आपके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहां पर सबसे बड़ी समस्या क्रिएट करते हैं। सिंचाई के संदर्भ से ही देखें तो यूपी में आपको कई सारे, जब आप ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो आपसे क्वेश्चन आपको वहां पर चीजें आप पढ़ते हैं कि सिंचित क्षेत्र कितना है, किसके माध्यम से सिंचित है, सबसे बड़ा सिंचित कह सकते हैं कि माध्यम उत्तर प्रदेश का क्या है। तो यहाँ पर इन चीजों के संदर्भ से देखा जाए तो नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुख्य पानी की सुविधा के लिए यहाँ पर देखा जाए तो 2900 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण के संदर्भ से आपको देखा जाए तो 502 करोड़ और 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण के लिए यहाँ पे 100 करोड़ की यहाँ पे बजट का प्रावधान, अर्थात नलकूपों का सबसे ज्यादा विकास किया जा रहा है सिंचाई के दृष्टिकोण से। इसके साथ साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 में बाढ़ नियंत्रण के संदर्भ से 2803 करोड़ के बजट का प्रावधान है। मुख्य सिंचाई परियोजनाओं के लिए 5,332.50 करोड़, मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 2,220.20 करोड़ और लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,400 करोड़ की बजट का यहाँ पे प्रावधान है। सड़क और सेतु दो चीजें जो कि इंटरकनेक्टिविटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक पहलू है जो कि गांवों को शहरों की ओर जोड़ती हैं, और यहां पर देखा जाए तो कृषि विपणन सुविधाओं के हित पुलों और सड़कों के कार्य के लिए 3,373 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए सड़कों को 1.525 करोड़ की व्यवस्था है, और रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण के लिए यहाँ पे 1,700 करोड़ और सेतुओं के लिए 1,850 करोड़ के बजट यहाँ पर दिए गए हैं। राज्य सड़क निधि के संदर्भ से सड़कों के देखा जाए तो अनुरक्षण के संदर्भ से 3,000 करोड़ और निर्माण के लिए 2,500 करोड़ दिए गए। औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क के लिए 4 लेन चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण इत्यादि चीजें का काम किया जाएगा और इसके लिए 250 करोड़ की व्यवस्था है। चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं के लिए मार्गों के चौड़ीकरण के लिए सुदृढ़ीकरण के लिए निर्माण के लिए या पुनर्निर्माण के लिए किसी भी तरीके का काम हो उसके संदर्भ में यहाँ पर 250 करोड़ दिए गए हैं जो चीनी मिल परिक्षेत्र को यहाँ पर विकसित करने का काम करेंगे, उनको कनेक्टिव यहाँ पर आपको सड़कों के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही राज्य राजमार्गों का भी देखा जाए तो चौड़ीकरण बड़े स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में किया जा रहा है और इसके लिए देखा जाए तो यहाँ पे 2,588.80 करोड़ की यहाँ पर व्यवस्था है। धर्मार्थ मार्ग अर्थात जहाँ पर भारतीय कैसे अंदर हैं कि मंदिर हैं आपको या फिर आपको पर्यटक स्थल है धार्मिक रूप से, उन मार्गों का विकास के संदर्भ से 1,000 करोड़ दिए गए हैं। जिला के मार्गों के संदर्भ से देखा जाए तो चौड़ीकरण के सुदृढ़ीकरण के लिए 2,538.80 करोड़ की यहाँ पे बजट का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री समग्र ग्राम सड़कें और सेतुओं के निर्माण के लिए 21,159.62 करोड़ है। विकास परियोजनाओं के लिए 181 राजस्व ग्रामों में सड़क का निर्माण किया जाएगा और सड़क सेतुओं के अनुरक्षण के लिए यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो 6,209.50 करोड़ की यहाँ पर व्यवस्था है। इसके बाद अगला इसमें आ जाता है MSME सेक्टर जो कि यूपी का एक बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर है और सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं देखा जाए तो न सिर्फ आपको यूपी बेस्ड बल्कि इंडिया बेस्ड भी आपको सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला एक क्षेत्र। इसमें देखें तो प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित नवीन MSME के दृष्टिकोण से देखा जाए तो रोजगार सृजन में करीब 15% वार्षिक यहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई और एक बड़ी वार्षिक वृद्धि आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। इसके अलावा इस नीति के अंतर्गत MSME इकाइयों के प्रथम बार 4 करोड़ रुपए के उपादान उपलब्ध कराए जाने की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, अर्थात एक तरीके की सहायता यहाँ पर जो लोग यहाँ पर नई नई इकाइयां स्थापित कर रहे हैं 4 करोड़ तक वहां पर उनको टैक्स और तरीके यहाँ पर छूट यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा प्रदेश में ODOP एवं हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करने हेतु यूनिटी मॉल की स्थापना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 200 करोड़ की यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है, अर्थात एक ऐसे यहाँ पर मॉल या सेंटर बनाए जाएंगे जहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो भी डेवलप किए जा रहे हैं उनको भी वहां पर रखा जाएगा और जितने हस्तशिल्प उत्पाद हैं उनको वहां पर रख करके सेल आउट किया जाएगा, उनकी मार्केटिंग की जाएगी और अलग अलग क्षेत्रों तक उनको यहां पर न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर उन्हें सेल आउट करने के लिए ये डेवलप किया जा रहा है यूनिटी मॉल। तो यहां पर देखा है इसके संदर्भ से आपको 200 करोड़ के यहां पर बजट के प्रावधान किए गए।
इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अर्थात अवस्थापना और विकास के संदर्भ से एक्सप्रेसवे का एक बड़ा योगदान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे 6 स्थानों पर औद्योगिक निर्माण संकुल बनाने का यहाँ पर निर्णय लिया गया, अर्थात कि एक तरीके के औद्योगिक क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। औद्योगिक क्लस्टर्स का मतलब होता है जहाँ पर कई अलग अलग छोटे छोटे उद्योगों के एक ही जगह पर आपको संकलित कर दिया जाता है, उन्हें हम बोलते हैं क्लस्टर्स। तो यहाँ पर हिंदी में उसको हम कहते हैं संकुल। तो औद्योगिक निर्माण संकुल बनाने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है और इनमें 4 संकुल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में बनेंगे और 2 संकुल जो है आपके देखा जाए तो आपको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे यहाँ पर बनाए जाएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो आईटी, आईटीस, डाटा सेंटर, ईएसडीएम डिफेंस, एरोस्पेस, इलेक्ट्रिक वाहन, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक, पर्यटन, टेक्सटाइल, एमएसएमई इत्यादि क्षेत्रों में निवेश को यहाँ पर आकर्षित करने का काम किया जा रहा है और इसके लिए यहाँ पर 25 नीतियों को प्रख्यापित किया गया है। देखिए नीतियां जो बनाई जाएगी इन क्षेत्रों में चीजों को जो कानून प्रक्रियागत चीजें उनको उदार करना, आसान बनाना उद्योगों के संदर्भ से और लोगों के यहाँ पे आकर्षित करना कि आप यहाँ पर उद्योग क्यों स्थापित करेंगे और सरकार आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराने वाली है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर सरकार उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से यहाँ पर कर रही है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन को भी देखें तो 14 मंडलीय कार्यालयों और प्रयोगशालाओं के अगर देखा जाए तो भवन निर्माण, मशीनों, उपकरणों के लिए यहाँ पर 200 करोड़ का यहाँ पर बजट प्रावधान है। चिकित्सा शिक्षा एक संदर्भ से एक और चीज यहाँ पर देखिए ऐड किया गया है। उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थापना के लिए 20 करोड़ का यहाँ पर बजट आवंटित किया गया है। उत्तर प्रदेश ओम स्वशासित चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कॉलेजों के संदर्भ से यहाँ पर 25 करोड़ की व्यवस्था है। 14 नए यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना और उसके संचालन के लिए 2491.39 करोड़ और असाध्य लोगों की चिकित्सा के लिए 100 करोड़ के यहाँ पर बजट चिकित्सा के क्षेत्र में आवंटित किया गया है। साथ ही साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के उपकरणों के लिए भी सरकार के द्वारा जो बजट यहाँ पे आवंटित किया गया है 100 करोड़ है। प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 15 करोड़ है जिनको सुदृढ़ करने के लिए टीकाकरण की व्यवस्था करना है। इसके अलावा अन्य चीजें हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत देखा जाए तो विभिन्न कार्यक्रमों के 12,531 करोड़ की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 320 करोड़, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए 250 करोड़ और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 1.655 करोड़ की यहाँ पर आपको व्यवस्था की गई। तो बड़ा यहाँ पर देखा जाए चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार के द्वारा यहाँ पर बजट में निवेश किए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था एक बड़ा पहलू रहा है लगातार सरकार के द्वारा देखा जाए तो निवेशक प्रक्रिया के लिए सबसे जरूरी एक पहलू ये भी है कि आपके यहाँ कोई भी काम करने आए तो उसे सुरक्षा, जो काम कर रहे हैं, जो स्थापना कर रहे हैं, जो चीज उद्योग लगा रहे हैं उनको किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी तरीके की अगर दिक्कत होती है तो तुरंत पुलिस प्रशासन की सहायता के लिए होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, कानून व्यवस्था को मानने वाले लोग होने चाहिए और ऐसे दृष्टिकोण से यहाँ पे कानून व्यवस्था का मजबूत होना बहुत जरूरी है। देखा जाए तो इस दृष्टिकोण से प्रदेश में पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों आपके आवासीय सुविधा के लिए भी विकास किए जा रहे हैं शहरी क्षेत्रों में। इसके लिए 400 करोड़ यहाँ पे दिए गए हैं। SDRF के सुदृढ़ीकरण के लिए नए वाहनों के क्रय के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था है। नवसृजित पुलिस कमिश्नरेट के कार्यालयों के लिए अनावासी भवनों के लिए यहाँ पर 850 करोड़ की व्यवस्था की गई है। पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के आवासीय सुविधा के लिए देखा जाए तो 1,000 करोड़ रुपए के बजट यहाँ पे आवंटित किए गए। इसके अलावा अवस्थापना के दृष्टिकोण से बुंदेलखंड में एक डिफेंस कॉरिडोर परियोजना को विकसित किया जा रहा है, अर्थात निर्यातोन्मुखी यहाँ पर डिफेंस सेक्टर को विकसित करने के लिए एक आपको देखा जाए बुंदेलखंड यहाँ पे एक्सप्रेसवे में बनाया जा रहा है, 550 करोड़ इसके लिए यहाँ पे आवंटित किए गए हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा देखिए यहाँ पर विकसित किया जाएगा और गलियारा का मतलब ऐसा होता है कि जहाँ पर आपको कई सारे अलग अलग जो उद्योग होते हैं वो आपको एक्सप्रेसवे के दोनों साइड्स में यहाँ पर डेवलप किए जाते हैं, जहाँ पर आपको कई तरीके के अलग अलग टाइप्स के यहाँ पर उद्योग और निर्माण प्रक्रियागत इकाइयाँ, रोजगार और अन्य तरीके की चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती हैं और इसके लिए देखा जाए तो यहाँ पर आपको 200 करोड़ की यहाँ पर व्यवस्था को प्रावधानित किया गया। वित्तीय वर्ष देखें 2023-24 में एक चीज और यहाँ पर है कि झांसी को लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को भी यहाँ पर डेवलप किए जा रहे हैं और यहाँ पर देखा जाए दोनों ही परियोजनाओं के प्रारंभिक सिर्फ चरण के लिए 235 करोड़ का यहाँ पर प्रावधान किया गया। पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की आवासीय सुविधा के लिए यहाँ पर 1,000 करोड़ का यहाँ पर प्रावधान है। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे के औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा 1,000 एकड़ भूमि पर अंतरराष्ट्रीय यहाँ पर फिल्म सिटी की स्थापना की जाएगी। तो कहाँ बनाए जाने की यहाँ पे बात की जा रही है, यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास फिल्म सिटी से देखिए 10,000 करोड़ से अधिक के निवेश की संभावना के साथ साथ रोजगार और वाणिज्यिक गतिविधियां होंगी।
गोरखपुर पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण यहां पर प्रगति कर रहे हैं। दिसंबर 2022 तक यहां पर इसके काम को बताया जा रहा है कि 56% तक हम पूरा भी कर लेने वाले हैं। इसके अलावा मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 554 यहां पर किलोमीटर लंबे लगभग कह सकते हैं कि मार्ग के लिए 36,230 करोड़ की लागत से बन रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे का यहां पर आपको निर्माण किया जा रहा है। श्रमिक कल्याण को लेकर सरकार ने देखिए असंगठित क्षेत्र पर, क्योंकि असंगठित क्षेत्रों के संदर्भ से ना तो उनका कोई यहां पर डेटा होता है किसी सेंटर्स में, ना उनकी जॉब ओरियंट यहां पर आपको कभी कहते हैं कि परमानेंट होती है, ना ही उनको पेंशन इत्यादि मिल रही होती है, ना किसी तरह का प्रोविडेंट फंड मिल रहा होता है, और उनकी लाइफ का कहें कि आपको कोई भी आय का कोई भी एक लिमिटेड सोर्स नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो असंगठित क्षेत्रों के संदर्भ से काम करना बहुत जरूरी एक पहलू बन जाता है। और यहाँ पर देखिए असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए संचालित मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 100 करोड़, प्रदेश में अब तक 1.53 करोड़ से अधिक निर्माण श्रमिकों और 3,314,611 निर्माण स्थलों का यहाँ पे पंजीकरण कराया जा चुका है। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना जो कि 12 करोड़ यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं, और बाल श्रमिक विद्या योजना के लिए 2000 बच्चों को योजना को इससे आच्छादित होने का लाभ मिलेगा। रीजन असंगठित क्षेत्र में यह है कि आपको कहीं कुछ हो भी जाता है, कुछ मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाती है, कहीं दुर्घटना हो जाती है, तो यहाँ कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं होती आपको कुछ भी यहाँ पे प्रोवाइड कराने की, कानूनी रूप से वो आपको आबद्ध नहीं होते हैं कि कुछ आपको प्रोवाइड कराएं। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर यहाँ पर ऐसे लोग हैं तो उसके संदर्भ से आपको काम करना, तो ये प्रोस्पेक्टिव यहाँ पर भी आपको श्रमिक कल्याण में सरकार दिखाती हुई। इसके अलावा अगर देखें युवाओं के संदर्भ से सरकार ने यहां पर क्या किया है, देखिए युवा अधिवक्ताओं के कार्यों के शुरुआती 3 वर्षों को लेकर के देखा जाए तो किताब पत्रिका खरीदने हेतु यहां पे आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिसके लिए 10 करोड़ देंगे, और युवा अधिवक्ताओं के कॉपर्स फंड हेतु यहां पे 5 करोड़ का बजट है। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी स्टार्टअप नीति के लिए 60 करोड़, और ग्रामीण क्षेत्र में युवा उद्यमियों को एग्री टेक स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के संदर्भ से यहां पर एग्रीकल्चरल एक्सीलरेटर फंड के लिए यहां पर 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा एग्रीकल्चरल एक्सीलरेटर फंड किसके लिए है, एग्रीटेक स्टार्टअप के संदर्भ से। इसके अलावा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 जो यहां पर बनाई गई है वो आपको उसके माध्यम से कृषि चिकित्सा स्वास्थ्य ऊर्जा खादी शिक्षा पर्यटन परिवहन के क्षेत्र में यहां पर स्टार्टअप को बढ़ावा दिए जाने की बात की गई है। और प्रदेश में देखा जाए तो 50 इंक्यूबेटर्स और 7200 यहां पर स्टार्टअप फिलहाल यहां पर आपको काम कर रहे हैं अर्थात कार्यरत है। इंक्यूबेटर्स को बढ़ावा देने और स्टार्टअप के लिए यहाँ पर सीड फंड बनाया गया है, और इस सीड फंड को यहाँ पे 100 करोड़ दिए गए हैं। स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना के पात्र यहाँ पे छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे, और साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में यहाँ पर इसके संदर्भ से 3500 करोड़ के यहाँ पे बजट का प्रावधान किया गया। समाज सुरक्षा एक और पहलू यहाँ पर जिसमें 2 चीजों को शामिल किया गया है, एक कुष्ठावस्था यहाँ पर पेंशन योजना के लिए जिसमें 42 करोड़ की यहाँ पर एक व्यवस्था की गई है, और दूसरा यहाँ पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के संदर्भ से जिसमें 950 जोड़ों का यहाँ पर विवाह इसमें संपन्न कराया जाएगा। रोजगार में देखें तो यहाँ पर सरकार ने कहा है कि नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के माध्यम से हम अगले 5 वर्षों में करीब 10,00,000 करोड़ का यहाँ पर निवेश करने वाले हैं, 20,000 रोजगार यहाँ पर सृजन करने का लक्ष्य रखते हैं। 2023-24 में ही हम देखें तो वस्त्र उद्योग क्षेत्र में करीब 40,000 रोजगार के लक्ष्य का यहाँ पे सृजन रखा गया है का लक्ष्य है, और अप्रेंटिसशिप के माध्यम से युवाओं को उद्योगों में भत्ते के साथ प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के क्रम में मुख्यमंत्री शिक्षता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत करीब 31,000 युवाओं को यहाँ पर प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। तो एक इन फ्यूचर सरकार के द्वारा क्या रोजगार परक यहाँ पर बजट प्रस्तुत किया गया, क्या रोजगार डेवलप करने का भी उद्देश्य है, ये कुछ एस्पेक्ट आप देख सकते हैं जहाँ पे सरकार ने कुछ टारगेट्स फिक्स किए हैं कि हमें अगले कुछ सालों में हम कितनी वैकेंसीज या कितने जॉब ओरिएंटेशन पर हम काम करने वाले हैं। इसके साथ साथ महिला एवं बाल विकास को अगर हम देखें तो प्रदेश में कानून एवं शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 3 महिला यहाँ पर पीएससी बटालियन का यहाँ पर गठन किया जाएगा। निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण अनुदान और योजनाओं के संदर्भ से देखा जाए तो 32.62 लाख निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 4,032 करोड़ के यहाँ पे इनके लिए बजट रखा गया है, और पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के अनुदान के संदर्भ से यहाँ पर 150 की व्यवस्था है। इसके अलावा
ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए एक योजना चलाई जाती है जिसका नाम है सामर्थ्य योजना। और इसके लिए अंतर्गत देखा जाए तो महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन करना है। इसके संदर्भ से यहाँ पर जो बजट है 2023-24 का वो 63 करोड़ के बजट को यहाँ पर प्रावधानित करता है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत जो भी यहाँ पे लाभार्थी आने वाले हैं उनको 15,000 रुपए की धनराशि यहाँ पर दी जाएगी। और 2023-24 के बजट में देखा जाए तो इसके संदर्भ से यहाँ पर 1,050 करोड़ का बजट रखा गया। साथ ही सभी वर्गों की पुत्रियों की शादी हेतु संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए करीब 600 करोड़ के बजट का यहाँ पे प्रावधान रखा गया। तो ओवरऑल यहाँ पर देखें तो सरकार के द्वारा दोनों ही एस्पेक्ट से काम किए जा रहे हैं। एक तरफ महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है, सशक्त बनाना है, रोजगार परक चीजें हैं, सुरक्षा का काम करना है, और दूसरी तरफ यहाँ पर गरीब महिलाओं की बच्चियों की यहाँ पर शिक्षा पर काम करते हुए उनकी इन फ्यूचरिस्टिक सामूहिक विवाह जैसी योजनाएं भी सरकार यहाँ पर चलाती है। तो ये जो पूरा एक बजट अगर आप यहाँ पर हम देखते हैं, सरकार ने अलग अलग सेक्टर्स को ध्यान रखकर जो यहाँ पर आपको बजट बनाया हुआ है उसमें हर एक क्षेत्र को लेकर यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड करने का काम। अब इस बजट को अगर आप मूल्यांकन करके देखेंगे कि ओवरऑल अगर आप प्रोस्पेक्टिव से देखें उत्तर प्रदेश का बजट आप कैसा पाते हैं, लाइक इन फ्यूचर आप जैसा कि टैगलाइन के साथ हम देते हैं कि उत्तर प्रदेश का नया विकासोन्मुखी बजट। देखिए राजनीतिक पर्दे से हर कोई अपने दृष्टिकोण से इसे देखेगा, कोई इसे अच्छा कहेगा, कोई इसे बुरा कहेगा, लेकिन एज अ स्टूडेंट एज सिविल सर्वेंट एज अ फ्यूचर आप कह सकते हैं SDM आप इसे कैसा देखते हैं, क्योंकि बजट में आपकी एक बड़ी भूमिका होती है। होती है हाँ, जैसे कि बजट की पूरा विवरण करने के बाद जैसे कि वर्ल्ड स्टेट वर्क प्रोजेक्ट ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें प्रोत्साहन मिलेगी रोजगार मिलेगी, लेकिन अगर मैं अपना रिव्यू हूँ तो ज़्यादातर बजट उन क्षेत्रों में खर्च हो रहा है जो जन कल्याण को ज़्यादा प्रभावित करा सकते हैं, बल्कि ये फ्यूचर में जैसे एक तरीके से विकसित स्टेट होने का जैसे कि साउथ इंडियन स्टेट तो बड़े बड़े माइक्रोसॉफ्ट और बाकी सारी कंपनियाँ IT सेक्टर में काम कर रहे हैं उस चीज में बूम करने वाला ये बजट में थोड़ा सा मुझे लगेगा। एक कहने का मतलब है कि हाँ बाकी जन कल्याण को ज्यादा भावी दिया जा रहा है, बल्कि इस मतलब एक तरीके से जो बीमारू राज्य है उससे निकलने की जो प्रावधान है उस पर थोड़ा कम फोकस दिया। अब देखिए इस तरह के बजट का एक आपने इसका सही एक कह सकते हैं विश्लेषण किया है। कुछ एस्पेक्ट अगर हम देखें जहाँ पर आपको अनुदानित चीजें ज्यादा है सहायता करना, जहाँ से रिटर्न आपको बेसिस चीजें कम कवर किए गई हैं, तो एक चीज देखिए यहाँ पे क्या है कि अगले साल हमारे यहाँ का जो बजट बनता है बजट हमेशा चुनाव प्रभावित होते हैं, ठीक है, और 2024 एक बड़ा सेगमेंट होने वाला है चुनाव के दृष्टिकोण से, और इस दृष्टिकोण से इस बजट को आप हमेशा ऐसा कह सकते हैं कि लोगों को ऐसे वर्गों को यहाँ पर टारगेट किया गया है जो उनके वोट बैंक से, ठीक है, उन लोगों को सहायता कैसे देना, उनका विकास कैसे करना है। तो यहाँ पर आप इस बजट को ज़्यादा कह सकते हैं कि कल्याणकारी राज्य के दृष्टिकोण से ऐसा बजट प्रस्तुत किया गया है कि समाज के पिछड़े महिला वर्ग उत्थान असंगठित क्षेत्र शिक्षा इन क्षेत्रों में जहाँ पर सरकार के द्वारा चीज़ों को ऊपर उठाने की बात की गई है। और साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो सरकार ने नई पॉलिसी मेकिंग पर भी काम की। हम दूसरा एस्पेक्ट भी देखते हैं, हम उस चीज़ों पर भी कवर करते हैं कि सरकार देखिए आपने कहा विकासोन्मुखी बजट है, विकासोन्मुखी का मतलब देखिए अगर महिलाओं का आप सशक्तिकरण कर रहे हैं सशक्त बना रहे हैं ये भी विकास है, ठीक है, जो बच्चे शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं आप उनको शिक्षित आज कर रहे हैं, वो एक मानव संसाधन डेवलप कर रहे हैं ये भी विकास है, क्योंकि वही बच्चा जो होगा आगे चल करके आपके राज्य का हिस्सा है, किसी ना किसी तरीके से आपको योगदान करेगा आपके राज्य में अपनी। अगर मैं कहता कि आपको भी शिक्षा नहीं मिल रही होती तो क्या आप आगे चल करके प्रिपरेशन करके SDM बन के आप कुछ कर सकते थे, नहीं, क्योंकि आपकी शिक्षा ग्रहण नहीं। तो हमें पोटेंशियल जो है किसी के बच्चे के अंदर वो राज्य का काम है कि अगर नहीं है उसके पास अपनी क्षमता तो वो उसे प्रोवाइड करें, ये भी विकास का एक पहलू है। इसके अलावा अगर हम देखें हम कहते हैं असंगठित क्षेत्र का मजदूर है जिसके लिए बाकी कोई नहीं सोच रहा है तो उसके लिए सोचने का काम राज्य का है, संविधान से वो कहीं ना कहीं आबद्ध है कि आपको ये काम करके देना पड़ेगा, वो भी विकास है। लेकिन दूसरी चीज यहाँ पे आती है कि देखिए आप अपना बजट जब भी आप बनाते हैं तो हमें कहते हैं संतुलित बजट बनाना चाहिए। संतुलित क्यों बनाना चाहिए, ठीक है, आपको कुछ चीजें आप ऐसे खर्च कर सकते हो जहां से आपको इन रिटर्न अर्थात कल्याणकारी राज्य के संदर्भ से काम नहीं करते हैं, लेकिन एक दूसरा भी एस्पेक्ट यहाँ पे आता है, क्या आता है कि सरकार कुछ ऐसी पॉलिसी मेकिंग का काम करे, ऐसी चीजें यहाँ पर लेकर आए कि उन क्षेत्रों का विकास वहां पर हो जहां से सरकार को रिटर्न मिलता है। और हमने एक चीज देखा कि सरकार की सबसे बड़ी आय का स्रोत क्या है, टैक्स। तो टैक्स सरकार लगाती किस पे, सरकार करती है कि मैं आपको पॉलिसी मेकिंग का काम करती हूं, यहां पर निजी सेक्टर आए वो बनाए वो डेवलप करे वो रोजगार दे वो नई चीजों को लेकर आए, हम उनसे टैक्स लेकर के
उन चीजों पे खर्च करें जहां निजी सेक्टर नहीं जाता है। निजी सेक्टर पास पैसा है, वो सड़कें बना सकती है, बिल्डिंग्स खड़ी कर सकती है, लोग प्रशिक्षित कर सकती है, रोजगार दे सकती है। तो मैं जहां पर वो क्षेत्र आकर काम कर सकते हैं, मैं अपना पैसा वहां क्यों इन्वेस्ट करूं? निजी सेक्टर वहां नहीं जाएगा जहां उसको घाटा होगा। कहां काम करेगा वो? जहां वो प्रॉफिट ले सकता है। तो सरकार का दृष्टिकोण क्या होता है कि मैं एक तरफ इस तरीके की चीजें डेवलप कर दूं जहां पर निजी सेक्टर हमारे यहां आकर काम करे, चीजों को बनाए, डेवलप करे, लोग रोजगार दे, जो सक्षम है उनको वो एक तरफ देखें, लेकिन जो अक्षम लोगों हैं, मेरा काम उनको है कि उनको भी मैं सक्षम बनाऊं। मेरा राज्य संतुलित होना चाहिए, एक तरफ अमीर वर्ग डेवलप ना हो जाए और एक तरफ गरीब वर्ग ना हो। हम एक ऐसा लेकर आए कि एक तरफ ठीक है ये चीजें डेवलप तो हो रही, लेकिन साथ साथ दूसरी तरफ दबे कुचले वर्ग हैं वो भी समाज के उस वर्ग तक आ जाएं जहां वो भी धीरे धीरे अपना योगदान उसमें देना शुरू करें। तो सरकार ने यहां पर देखिए कई सारी पॉलिसी की बात की है, कई सारी पॉलिसीज लेकर आई है, चाहे वो सौर ऊर्जा नीति हो, जैव ऊर्जा नीति हो, शिक्षा को लेकर हो या आपको स्टार्टअप्स को लेकर हो। ये किस ओर है? ये है कि आप हमारे यहाँ बिजनेस ओरिएंटेड कैसे चीजें डेवलप की जाए जो निजी सेक्टर आके काम करे। अगर हम केंद्र सरकार के चीजों को भी देखें, आपके विकास का एक बहुत बड़ा पहलू है कि सरकार अकेले काम ना करे बल्कि निजी सेक्टर को साथ में लेकर काम, सरकार स्वयं यहां पे काम ना करे बल्कि सरकार काम करने के लिए माहौल उत्पन्न करे। और सरकार यहां पर देखा जाए तो आपको अगर वो काम करती है तो वही अच्छी सरकार है। क्योंकि एक होता है, दो कह सकते हैं कि एक आपको इकोनॉमी में आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं को अगर आप देखें तो आज वो विकास नहीं कर पाए। रीजन क्या है? क्योंकि उन्होंने हमेशा हर संसाधन पर खुद की पकड़ रखी। इसके कारण वो हर वर्ग को सब कुछ देने के चक्कर में वहां पर वो कभी उस तेजी से कभी विकास वो कर ही नहीं पाती हैं जितना उनको करनी चाहिए। जबकि पूंजीवादी देशों में होता क्या है कि वहां पर पूरी की पूरी जो सिस्टम चलाती है वो आपको मार्केट चलाती है, बाजार चलाती है, मांग और सप्लाई का पूरा खेल चलता है। और वहां पर देखें तो आपको इकोनॉमिकल पर्पज से पर कैपिटा इनकम आपको लोगों को आप देखिए या इकोनॉमी का आप पूरा जीडीपी देखिए, उन स्टेट्स की या उन राज्यों की आपकी जीडीपी हायर है। वही आपको भारत की हम परिदृश्य बात करें, भारत इन दोनों व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं करता बल्कि उन्होंने इसे मिश्रित कर रखा है। मिश्रित कहने का मतलब है सरकार एक तरफ यहां पर निजी सेक्टर को भी उतना ही बढ़ावा देती है, मार्केट को भी उतना बढ़ावा दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी ध्यान रख रही है कि यहां पर समाज में जो वर्ग उस मुख्य धारा से अलग रह जा रहे हैं मैं उनको कैसे वो संसाधन यहाँ पे प्रोवाइड कराऊं। और इसीलिए मोस्टली सरकार के जो बजट होते हैं वो कैसे होते हैं? घाटे के बजट होते हैं, क्योंकि सरकार की आय कम होती है और सरकार का व्यय ज्यादा होता है। और व्यय कहाँ हो रहा होता है? ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां से उसे रिटर्न मिलता नहीं। और इसी कारण से मोस्टली के आपको जो बजट होंगे, आप केंद्र का देखो, राज्यों का देखो, मोस्टली आपको घाटे का बजट। और घाटे का बजट बजाए जाने जो इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं, कहा जाता है कि अच्छा बजट वही है जो घाटे का बजट होता है। रीजन क्या है कि इन्वेस्टमेंट ही आपको इन फ्यूचर रिटर्न देगा, तो आप आज जितना इन्वेस्टमेंट करोगे कल उतना ही बड़ा रिटर्न आपको वापस मिलेगा। तो सरकार ये क्या करती है, ये इन्वेस्ट कर रही है एक तरीके से। जितना आज आप इन्वेस्ट करोगे 5 साल 10 साल 15 साल में वो रिटर्न आपको वापस मिलेगा। जो सरकार की आज आय है वो जितने लाख करोड़ है, वो 5 साल में आप देखोगे उसमें ग्रोथ होगी, टैक्सेस बढ़ेंगे क्योंकि लोगों की आय बढ़ेगी। लोगों की आय बढ़ेगी तो ज्यादा लोग कर के दायरे में आएंगे, ज्यादा लोग कर के दायरे में आएंगे तो सरकार को ज्यादा टैक्स पे होगा, ज्यादा टैक्स पे होगा तो सरकार का आय ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। यही होता है एक सिस्टम, आपकी इकोनॉमी का देखें तो यही चलता है। तो यहां पर हमें बस सरकार फिलहाल यही काम करेगी, लेकिन मोस्टली अगर आप इस पर्पज से देखें तो एक ज्यादा आप कहें भार किस तरफ है, तो आप हाँ ये कह सकते हैं एक थोड़ा सा ज्यादा पॉलिटिकल वे में थोड़ा सा प्रभावित जरूर है, लोक लुभावन यहाँ पे ज्यादा है और अनुदान व्यय समाज के इन वर्गों, कमजोर वर्गों को उठाने के संदर्भ में ज्यादा है, बजाय हम देखें कि रोजगार परक ज्यादा, रोजगार की भी यहाँ पर बात नहीं की, बहुत लिमिटेड रोजगारों की बात की गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जैसे पॉलिसी मेकिंग की बात की गई है, उनके आगे बढ़ाने को लेकर क्या किस तरीके से काम होंगे, निवेशक प्रक्रियाओं को लेकर क्या काम होंगे, और अन्य प्रस्पेक्टिव से हम देखें तो वो उतना यहाँ पर आपको बजट में दिखाई नहीं देता है। फिलहाल ये हमारा बजट है यूपी का, बाकी आपको यूपी के संदर्भ से जो चीज़ें आपको इकोनॉमिकल पर्पज से वहाँ पढ़े जाएंगे तो वहाँ पे बाकी अन्य कॉन्सेप्ट जो होंगे वो यहाँ पर आप देख लीजिए।